हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक न्यूज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज भी लेके आया बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज और बहुत सारी न्यूज थी दोस्तों, उसमें से काट छट के इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी न्यूज जो है वो आपके काम की न्यूज है। तो सबसे पहले जो न्यूज है दोस्तों वो पबजी की तरफ से आ रही है। पबजी बहुत ही जल्द इंडिया में आने वाला है, मतलब ये न्यूज कंफर्म नहीं है अभी तक, लेकिन पबजी कॉरपोरेशन की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उन्होंने जो है वो टिनसेंट की तरफ से जो उनकी हैंडलिंग है इंडिया के अंदर वो उनकी तरफ से खींच के अपने तरफ कर लिया। मतलब पबजी कॉरपोरेशन जो है वो अब उसके ऑपरेशन जो है इंडिया के अंदर वो खुद हैंडल करेगा। और मैं आपको बता दूँ, ये जो पबजी कॉरपोरेशन ने कहा है ये एक साउथ कोरियन कंपनी हैंडल कर रही है। पबजी कॉरपोरेशन एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में कुछ हिस्सा जो है वो टिनसेंट का था, जो कि एक चाइनीज बहुत ही बड़ी गेमिंग कंपनी है, उसका हिस्सा था, उसे अब कट कर दिया। मतलब पबजी इंडिया जो है, मतलब पबजी का इंडियन ऑपरेशन जो है वो पूरी तरह से अब साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी हैंडल करने वाली है। इसकी वजह से पबजी जो है वो वापसी कर सकता है, ऐसा स्टेटमेंट जो है वो खुद पबजी कॉरपोरेशन ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो पोको की तरफ से आ रही है। पोको X3 NFC जो है वो लॉन्च कर दिया उन्होंने कल ग्लोबली। आज पोको M2 को लॉन्च किया है, और ये जो है ये सेम टू सेम रीब्रांडेड वेरिएंट है Redmi 9 Prime का, लेकिन सिर्फ 6GB RAM वाला वेरिएंट जो है वो Redmi 9 Prime में नहीं था, जो इस फ़ोन में लाया है। और ये जो फ़ोन है इसकी प्राइस रखी गई है 11,000 rupees। क्या मतलब था ऐसे फ़ोन लाने का, इससे बदले हमें Redmi 9 Prime का 6GB वाला वेरिएंट दे देते। पोको और शाओमी दोनों ही एक ही कंपनी है, तो एक ही फ़ोन दे देते भाई, क्यों दो दो फ़ोन बनाए, क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले से रियलमी क्या कम कंफ्यूज कर रहे हैं हमें, इतने सारे फ़ोन्स ला रहा है, 10 से 15 हज़ार के रेंज में 5-5 फ़ोन से उनके आज की तारीख में भी, तो आप क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। एक ही फ़ोन लाते शाओमी की तरफ से रेडमी 9 प्राइम सीरीज में ही एक और एक फ़ोन लाते तो भी अच्छा हो जाता। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगली न्यूज़ भी पोको की तरफ से आ रही है। पोको का X3 NFC 6GB RAM वेरिएंट जो है वो उन्होंने ग्लोबली लॉन्च कर दिया, और यूरोप के अंदर वो 6GB RAM वेरिएंट लाने वाले। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है कि इंडिया के अंदर इस फोन का 8GB RAM वेरिएंट जो है वो लॉन्च करने वाला है। गूगल प्ले कंसोल पर यह वेरिएंट स्पॉट किया गया है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 8GB RAM वेरिएंट है। ये जो वेरिएंट है ये इंडिया के अंदर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पोको X3 जब इंडिया में लॉन्च होता है, सितंबर के एंड तक ही लॉन्च होगा, तो अगर ये फ़ोन सितंबर के एंड तक लॉन्च होता है तो उसमें 2 RAM वेरिएंट आता है, या फिर एक ही RAM वेरिएंट का फ़ोन जो है वो लॉन्च करता है पोको। अगली जो न्यूज़ है वो पबजी की तरफ से आ रही है। पबजी मैप का अपडेट आ गया है, जिसके अंदर नए मैप्स आए, बहुत सारे अपडेट्स आए, लेकिन इस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं बनता जब तक पबजी जो है वो इंडिया में वापसी नहीं कर पाता। तो इस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं बनता, कितने भी मैप्स आए, कुछ भी आए, उसे आप खेल ही नहीं पा रहे तो उसका क्या मतलब बनता है। अगली जो न्यूज़ है वो रियलमी की तरफ से आ रही है। रियलमी ने रियलमी 7 और 7 प्रो को लॉन्च कर दिया है, और साथ ही साथ रियलमी 7i भी स्पॉट किया गया था। और ये जो फोन है 17 सितंबर को रियलमी जो है वो लॉन्च करने वाला है इंडोनेशिया के अंदर। आज इस फोन के कुछ लीक्स निकल के आए, जिसके अंदर कहा जा रहा है ये जो फोन है ये 2 कलर वेरियंट में आ सकता है, जिसके अंदर एक कलर जो है वो विक्टोरियस ग्रे कलर हो सकता है, और एक कलर जो है वो ब्लू कलर हो सकता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च होने के बाद ये फ़ोन जो है ये इंडिया में लॉन्च करता है रियलमी या फिर नहीं। अगर ना ही करे तो अच्छा है, लेकिन इंडोनेशिया में जो भी फ़ोन्स लॉन्च होते हैं वो लगभग इंडिया में भी लॉन्च कर ही देता है रियलमी। और अगली न्यूज़ भी रियलमी की तरफ से, रियलमी की नार्जो सीरीज जो है वो आने वाली है, रियलमी ने कन्फर्म कर दिया था। तो अब ऐसे कहा जा रहा है कि इस सीरीज़ में रियलमी जो है वो 3 फ़ोन लॉन्च कर सकता है, Realme Narzo 20A, Realme Narzo 20 और Realme Narzo 20 Pro। मतलब ये जो है ये 3 फोन आ सकते हैं इस सीरीज में। और अगली जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सैमसंग की तरफ से न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। सैमसंग जो है वो अब कॉलकॉम के लिए प्रोसेसर बनाने वाला है। कॉलकॉम जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मतलब जिसके चिपसेट जो है वो बहुत ही बढ़िया होते हैं, वो जो है वो अब सैमसंग बनाने वाला है, ऐसे न्यूज़ निकल के आ रही है। और ये जो चिपसेट होने वाले हैं 5G वाले चिपसेट होने वाले हैं, मतलब कॉलकॉम के जो 400 सीरीज में 5G वाला चिपसेट आने वाला है, मतलब चीपेस्ट 5G वाला चिपसेट जो आने वाला है वो अब सैमसंग डिज़ाइन कर रहा है। TSMC नई डिज़ाइन कर रही है, जो कि ग्लोबली मार्केट में 59% का शेयर लेती है चिपसेट डिज़ाइन और चिपसेट में के मैन्युफैक्चरिंग में। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्डर है ये कॉलकॉम ने सैमसंग को दे दिया है। और वैसे ही सैमसंग जो है एनवीडिया, जो कि ग्राफिक कार्ड डिज़ाइन करने की कंपनी, उसके साथ मिलकर एक ग्राफिक कार्ड डिज़ाइन का भी ऑर्डर ले लिया है। मतलब चिपसेट बनाने में बहुत ही जल्दी सैमसंग जो है वो एक नंबर की पोजीशन हासिल कर सकता है।
आपको क्या लग रहा है इसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और अगली जो न्यूज है वो मोटरोला की तरफ से आ रही है। ऐसे कहा जा रहा है कि मोटरोला जो है वो बहुत ही जल्द अपने मोटो G9 सीरीज में और एक फोन लॉन्च कर सकता है, क्योंकि ये फोन जो है ये गूगल प्ले कंसोल पे स्पॉट किया गया है। और इस फोन में दिखाई दे रहे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर और साथ ही साथ 5000 mAh के बैटरी बैकअप का सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस फोन को मोटरोला जो है वो कब तक लॉन्च करता है इंडिया के अंदर, और इस फोन की प्राइस क्या रखता है ये देखना सबसे इंटरेस्टिंग। मोटरोला के जो फोन होते हैं वो बेसिकली जो है वो स्टॉक एंड्रॉइड पे आते हैं, मतलब कोई भी ब्लोटवेयर एड इसके अंदर नहीं आते हैं, जैसे कि बहुत सारे चाइनीज फोन में आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के टेक न्यूज़ को यही खत्म करते हैं। अगर आपको टेक न्यूज़ पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको टेक न्यूज़ में से कौन सा पार्ट जो है वो अच्छा लगा।